रात में वो बंद नहीं होता। तुम बोले तुम कुत्ते का पीछा पियो, पब्लिक में जाके अपना वोट का मुतालबा करेंगे, पता नहीं नुकसान क्यों बंद बंद। अरे बंद है तो दिन का बंद है। आज मैं जा रहा था अधोनी को, कौन सा गांव था तुम्हें, कोटपुर में गाड़ी रोके आज देना भाई ना, हमारे को देख के आके बोले साहब एक दो मिनट आप भी हमारे प्रोटेस्ट में शामिल हो जाओ। हम बोले ठीक है, बराबर गया मैं। वहां पे कम्युनिस्ट लीडर थे गफूर साहब था, वो नाम याद है। गफूर साहब बोले आओ जी तुम आओ, जाके दौलत बोलो जरा, कौम का नाम अच्छा होता। बोले अच्छी बात है, तो अब्दुल गफूर साहब जाके बोले। तो ये हमारा काम यही है। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि ये लोगों के बातों में मत आइए। MIM पार्टी के जो करनूल में 7 कैंडिडेट है, जुमला कितने वार्ड आए आप, 33 पे 3 है, हाँ 30 पे 3 वार्ड में हम खाली 7 लड़े तो इनके पेट में दर्द हो रहा। 30 पे 3 है, 33 वार्ड है, MLA के 33 मालूम है, 52 है मालूम। अब वो उसमें से खाली 7 लड़े तो इनको सांस चढ़ रही, अभी क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, अरे क्या करते, इलेक्शन लड़ने आ रहे, तुम भी वोट मांग रहे, मैं भी वोट मांग रहा हूं, तुम तुम्हारी पार्टी के नाम पे मांग रहे, मैं अपनी पार्टी के नाम पे मांग रहा, मैं इनसे जा कह रहा मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम बोल सकते, तुम भाइया बोल के नहीं बोल सकते। करनूल का जहां जहां एक एक घर आपका घर है, वो मेरा घर भी है। करनूल हो, अधोनी हो, नंदियाल हो, नंदीपुर हो, अनंतपुर हो, हिंदूपुर हो, जहां जहां हमारे कैंडिडेट लड़ रहे वो घर आपका भी है, मेरा भी है। मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, मेरा हक बनता आपसे वोट का मुतालबा करना, और मैं लड़ के आपसे वोट लूंगा, क्योंकि आप मेरे को नहीं दिए तो क्या गैरों को देंगे। तो आपको MIM पार्टी को वोट देने का है। 10 तारीख को जहां पे पतंग का निशान दिखा, और 10 तारीख को पूरे आसमान पे खाली पतंग नजर आना, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जब अहमदाबाद में MIM पार्टी को 7 हमारे कैंडिडेट जीत गए, तुम करनूल में 6 नहीं जीता सकते। जब गोधरा में हमारे 7 कारपोरेटर कामयाब हो गए, तो क्या आप नंदियाल अधोनी में हमको नहीं जीता सकते इंशाल्लाह। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि ये नंदी गोटपुर के हमारे वार्ड नंबर 7 से मौला अली, वार्ड नंबर 8 से एस फारूक, वार्ड नंबर 20 से हिदायत, वार्ड नंबर 24 से अब्दुल मन्नान साहब MIM पार्टी के कैंडिडेट हैं। तीसरी अहम बात मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि हमारे जुनेद साहब मजलिस के कायद हैं। यहां पर गोनीगंडला मंडल में एक 24 साल की हाजिरा बी का मर्डर हो गया, अगस्त 7 को उसका मर्डर हुआ। ये आज जो आके MIM पार्टी नहीं लड़ना बोल रहे, उन्होंने गए के हाजरा बी के घर को, आप पूछो जाके, गोनीगंडला मंडल में 24 साल की 20 पे 4 साल की बच्ची हाजरा बी, जिसका मर्डर हो गया अगस्त 7, 2020 को, ये कोई जाके नहीं मिले उससे। जुनेद गए जाके उनकी वालदा से मिले, अभी लाके मेरे को उनकी वालदा से मिला है, उनकी अम्मा से, बच्ची से। वो अम्मा रो रही थी कि मेरे बच्ची से इंसाफ करो, अभी तक किसको अरेस्ट नहीं करे। मैंने कहा कि अम्मा इंशाल्लाह सुबह में मैं SP और कलेक्टर साहब से बात करके हमारी बच्ची को जो लोग मर्डर किए उनसे डिमांड करूंगा, उनको अरेस्ट करना पुलिस, उनको जेल को भिजाना, और कोर्ट के केस के जरिए उन तमाम को सख्त से सख्त सजा 302 में जो IPC मिलती है मिलना चाहिए। ये काम MIM पार्टी कर रही है। अब आप जो लोग हमको बोल रहे कि काम नहीं, ये आप इलेक्शन नहीं लड़ना, यहाँ कई को आए साहब आप, यहाँ अच्छा माहौल है, अरे अच्छा माहौल को अच्छा करने आए, खराब करने कौन आए थे? जब CAA का
मीटिंग हुई CAA के खिलाफ, NPR NRC के खिलाफ, तो बड़े मैदान में हुई थी, हजारों की तादाद में आपने शिरकत की थी, आए थे। जब आगे बाजू बैठना जरूरी था इनको, मेरे इनको बुलाए भी नहीं थे, नहीं नहीं मैं बाजू बैठता, मतलब बैठो, हम तो बोल रहे बाजू लोग को बैठो, दिल में बैठ जाओ, आके जगह है हमारी। मुस्लिम पर सल्ला बोर्ड का जलसा हुआ, ट्रिपल तलाक के खिलाफ पूरे उलमाए कराम आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह करनूल के तमाम उलमाए कराम, मशायखीन, मदरसे के जिम्मेदारान की सरपरस्ती में वो जलसियाम हुआ, आप तमाम ने शिरकत की। तो मेरी अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बता रहा हूं कि करनूल में हो या आंध्र प्रदेश में हो, आपको अपनी एक पॉलिटिकल वॉइस की जरूरत है, आपको अपनी पार्टी के नुमाइंदों को कामयाब करना जरूरी है, ताकि कोई आपके लिए लड़े, ताकि हुकूमत के पास जाकर आपके मसाइल की तर्जुमानी कर सके। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं, अगर आप ये समझेंगे नहीं नहीं असद साहब अच्छी तकरीर करते, हम तकरीर जलसे में आएंगे, सीटी मारेंगे, ऊ हा करके चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 10 तारीख को आप सुबह सुबह अपने घर से निकलकर अपना एक एक वोट MIM पार्टी को देंगे, अपनी पार्टी को मजबूत करो। आप ये देख रहे पूरे मुल्क में कैसे हालात हो रहे हैं, जब से BJP की सरकार बनी है अक्सरियती तबके की जमहूरियत का उसका फरोग दिया जा रहा है, जो मुसलमान है, दलित है, आदिवासी है, और जो गरीब बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, वो सब लोग फिक्रमंद हैं कि ये मेजोरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की वजह से हमारी आवाज को बंद कर दिया जा रहा है, घुटन महसूस हो रही है। अगर कोई अपने आप का मुतालबा करता, अगर कोई बोलता है कि दिल्ली के फसादात में वो जो बच्चा फैजान, वो फैजान का वीडियो आपने देखा होगा कि 4 लड़के जमीन पर पड़े हुए हैं, और दिल्ली की पुलिस या कहां की पुलिस उन बच्चों को मार कर कह रही है कि जनगण मना पढ़ो, तो उसमें से एक बच्चा दर्द की हालत में, कर्ब की हालत में, तकलीफ में जनगण मन पड़ता है, बाद में फैजान मर जाता है। अगर मैं फैजान के मारने वालों को गिरफ्तारी का, उनके अरेस्ट का मुतालबा करता हूं, तो एंटी नेशनल करार दिया जाता है। मैं ट्वीट करता हूं तो दिल्ली पुलिस रिप्लाई करके कहती है कि फुला पढ़ लो। अरे दिल्ली पुलिस वालों, तुम यकीनन बहुत अक्लमंद होंगे मुझे मालूम, मगर मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है दिल्ली पुलिस के कमिश्नर पुलिस से, कि मैं आज के जलसे से आपसे पूछना चाह रहा हूं, वो फैजान को जिन्होंने मारा, क्या आपने उनको गिरफ्तार किया? जिन्होंने फैजान को मारा, आपने उनको गिरफ्तार किया? जो 19 मसाजिद को नुकसान पहुंचाया गया या शहीद किया गया या जलाया गया, आपने उनको कितनों को गिरफ्तार किया, बताओ आप? नहीं इसका जवाब आता आज। इसीलिए मेरे भाई, मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि समझाने के लिए हकीकत बयान कर रहा हूं। ये रात लंबी होने वाली है, ये रात बड़ी लंबी होने वाली है, और याद रखो आपको पहले से ज्यादा अपने रिश्ते को अल्लाह से मजबूत करना है, आपको पहले से ज्यादा अपने आप पर, उसकी अल्लाह की जात पर तवक्कल करना है, आपको पहले से ज्यादा मुत्तहिद रहना है, आपको पहले से ज्यादा आज मजलिस की आपको जरूरत है। मजलिस आपकी आवाज है, मजलिस आपकी पहचान है। क्या आप नहीं देखते कि भारत की पार्लियामेंट में जब कभी भी कोई मसला आता है तो कौन उठकर BJP की हुकूमत के खिलाफ बेबाक तरीके से उनको बयान करता है? यहां से आंध्र प्रदेश से YSR पार्टी के भी MP हैं, TDP के भी MP हैं, मगर जब CAA का कानून पास हुआ तो ये तमाम दोनों पार्टी के लोग क्या बोल रहे थे किसी को समझ में नहीं आ रहा था, या दोस्ती कर रहे थे या दुश्मनी कर रहे थे नहीं मालूम। ट्रिपल तलाक का बिल लाया गया, दोनों पार्टी समझ में नहीं आ रहा था कि तुम BJP को तलाक दे रहे या शादी कर रहे, वो भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा था कि ना तलाक देना चाह रहे, ना निकाह में ले वापिस लेना चाह रहे, मगर कौन साफ और वाजे तरीके से
चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे CAA का कानून हो, चाहे बजट हो, हम बेबाक तरीके से दलाल को BJP की मुखालिफत करते आ रहे हैं। ये काम MIM पार्टी कर रही है और आप जानते हैं कि अल्लाह के फजल व करम से औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट से भी MIM पार्टी का कैंडिडेट कामयाब हुआ। MIM पार्टी के अब 2 MP हो गए, 2 है ये, 2 ये, 2 300 पे भारी। अब जिनके पास 20-20 3-3 है, उन्हें क्या कर रहे हैं? कहां गया स्पेशल स्टेटस? कहां गया स्पेशल स्टेटस बोलो मेरे को आप? कुछ नहीं, बात ना DDP करती ना इनू करते, क्या कहा, किधर गया? मैं ये इसलिए बोल रहा हूं, अगर कल तुम अधोनी में मेरे जलसे का परमिशन कैंसिल नहीं करते, खाम अखा उंगली करे, नहीं छेड़खानी करना हमसे पाशा, छेड़खानी करे तो हम काजकोरे की फल्ली है, तुम्हारे को गुजरी होती याद रखो। अब मेरे को फोन करके कोई बोलते, अरे असद साहब हिंदूपुर क्यों आते? मतलब क्यों नहीं आना? अरे कहीं क्यों आते? मतलब हो आ तो मेरे अब्बा की जागीर है, यहां नहीं आना वहां? अरे फिर कहां जाना पाशा, क्या जाना? मेरे ना तो मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, ना मेरे को कोई वो इरिगेशन का कॉन्ट्रैक्टर हूं, ना मेरे पास कोई माइन है, ना मेरे पास कोई कंपनी है, खाली एक ही काम है, गाड़ी में बैठना, जलसे करना है, MIM पार्टी का हरा झंडा लेकर MIM पार्टी जिंदाबाद। अब ये दूसरों को उनका कॉन्ट्रैक्टर भी है, दौलतमंद भी है, करोड़पति भी है, तो उनको डर होता, इनको इनसे डर होता, उनको उनसे डर होता, अरे तुम दोनों डर लो, हमको क्या कर रहा? मेरे भाई, मेरी आप तमाम से, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों से गुजारिश है कि आपको MIM पार्टी को सपोर्ट करना है, 10 तारीख के दिन अपने वोट का इस्तेमाल करना है। और आपको वो और एक इल्जाम नहीं, कम्युनल है, फिरका परस्त है, असदुद्दीन ओवैसी अपनी स्पीच देते तो हेट स्पीच देते, भड़काऊ भाषण देते। मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर तुम चैलेंज कबूल कर लिए तो आओ अपन खड़े रह के एक डिबेट कर लेंगे, मालूम कर लेंगे कौन फिरका परस्त है, बताएंगे कहां की फिरका परस्त, हम बता सकते हैं आपको। MIM पार्टी कम्युनल है, अरे क्या तुम्हारे पास क्या सर्टिफिकेट है, कंपनी है? तुम्हारे पास क्या कंपनी है? तुम स्टैंप मार के दिए तो सेकुलर, उन्होंने नहीं दिए तो कम्युनल। अरे तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मैं झूठी पे रखता हूं तुम्हारे सर्टिफिकेट को, नहीं वो कम्युनल है। अरे मैं कम्युनल तो तुम क्या है बताओ, फिर तुम क्या है बताओ हर जगह पे। अरे MIM पार्टी कम्युनल, अरे तुम जितना बोलेंगे उतना मोहब्बत अल्लाह आवाम के दिलों में डालेगा, इंशाल्लाह कम्युनल है। अरे कौन सा कम्युनलिज्म की बात कर रहा हूं, मैं तो बाबा साहेब अंबेडकर का बना हुआ संविधान में जो हुकूक दिए गए, जो राइट्स दिए गए, फंडामेंटल राइट्स दिए गए, उनको बोल रहा हूं हमको दो आप, नहीं कम्युनल। अरे कहां कम्युनल है, हम तो कह रहे हैं कि भारत में जो दलित है, आदिवासी है, जो मुसलमान है, जो गरीब है, पसमानदा है, आप उनसे इंसाफ करो, उनके महलों में तरक्की कराओ, उनके बच्चों के लिए स्कूल का इंतजाम करो, उनके बच्चों को नौकरियां दिलाओ। अगर ये कम्युनलिज्म है तो बताओ फिर सेकुलरिज्म क्या होगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप देखते हैं कि दुल्हन की स्कीम कहां गई अल्लाह को मालूम, वक्फ बोर्ड के जमीन का कमेटी नहीं बनती, माइनॉरिटी कारपोरेशन, ओवरसीज एजुकेशन स्कॉलरशिप, वो भी नहीं मालूम किधर गया। मेरी आपसे एक ही अपील है कि आपको जमहूरियत में एक अपोजिशन की जरूरत है। अब यहां पे क्या हो रहा आंध्र प्रदेश में, ये रूलिंग पार्टी वाले बोलते, अरे TDP वाले पैसे लेके बैठ गए, तुम कहीं को नहीं ले रहे? पूछते पूरे TDP वाले नायडू को धोखा दे, नायडू ससुरे को दिए, अब इनला नायडू को धोखा दे, जितने नायडू से टिकट लिए उनको वो YSR वाले बुला के इधरा भाई गुलाब जामुन खा, सो जा,
हमार को बुलाए, उन्होंने बोले गुलाब जामुन खाओ, हम बोले नहीं खाते, बोले दो खाओ, हम बोले नहीं खाते, पूरा डब्बा ले ले, हम बोले नहीं खाते, उसको बोले क्या खाते, तो हम बोले हम तुमको खाते। अरे टीडीपी और एमआईएम में फर्क है बाबा, हम जमीर का सौदा नहीं करते, ईमान का सौदा नहीं करते, हम जीतेंगे हारेंगे अल्लाह की मर्जी, मगर हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि जब दुनिया में तारीख लिखी जाएंगी भारत की सियासत की, तो मौरख लिखेगा कि हाँ ये लोग, इनकी खूबसूरती, इनकी ताकत, इनकी अहमियत, इनकी खसूसियत ये थी कि लड़ने वाले लोग थे, ये किसी से डरने वाले नहीं थे। हम तारीख लिखना चाह रहे हैं, हम हिस्ट्री बनाकर रहेंगे भारत की जमहूरियत में इंशाअल्लाह ताला। हम भारत की जमहूरियत को मजबूत करना है, कैसे मजबूत करेंगे, जब दलित आदिवासी मुसलमानों को उनका पॉलिटिकल राइट मिलेगा, उनकी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप बनेगी, और उसके लिए आपको मदद करना है, पहले अपनी दुआओं से, फिर अपने जमात को मशवरा देते रहना, हम गलती करे मंसूर गलती कर रहा है, ए जुनैद सही हो जा, ये आपका काम है, इसीलिए ये आपकी जमात है। 63 साल का सियासी सफर कोई आसान सफर नहीं रहा मेरे भाई, इसमें यकीनन हम तमाम को खाक और खून के दरियाओं से गुजरना पड़ा, कुर्बानियां देनी पड़ी, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी, हमारे बुजुर्गों ने अपना वक्त लगाया, तब जाकर आज एमआईएम पार्टी को एक मुकाम मिला है। मैं करनूल की आवाम को एक और पैगाम देना चाहता हूं कि बिहार के असेंबली इंतखाबात हुए, बिहार के असेंबली के इंतखाबात हुए, बिहार में मजलिस के 5 MLA, कितने मिले अभी जो बोलते हम रूलिंग, तुम्हारे तुम बिहार में तुम्हारे एमएलए नहीं है, इनके है क्या, कहा है, नहीं खाली हम यहां रूलिंग है, अरे अरे बाबा बिहार में जाकर हम जीते, महाराष्ट्र में मजलिस के 2 MLA अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बिहार को हम गए, बिहार में इलेक्शन लड़ रहे थे, तो वहां पर भी कांग्रेस, वहां पर भी बीजेपी, बैठो बैठो कुछ नहीं, हाँ वो कुर्सी बैठी, वहां पर भी हम पर इल्जाम लगा दिया गया, मगर अल्लाह का फजल हुआ, बिहार की सरजमीन पर सीमांचल जो भारत का सबसे पसमानदा इलाका है, रात में वो बंद नहीं होता, कम बोले तुम कुत्ते का पेशाब पियो, पब्लिक पे जाके अपना वोट का मुतालबा करेंगे, पतंग के नुकसान के होते बंद बंद, अरे बंद है तो दिन का बंद है। आज मैं जा रहा था अधोनी को, कौन सा गांव था तुम्हें, कोटपुर में गाड़ी मारो के आज देना है भाई ना, तो हमारे को देख के आके बोले साहब 1-2 मिनट आप भी हमारे प्रोटेस्ट पर शामिल हो जाओ, हम बोले ठीक है, बराबर गया मैं, वहां पे कम्युनिस्ट लीडर थे गफूर साहब नाम याद है, गफूर साहब बोले आओ जी तुम आओ, जाके दौलत बोलो, जरा कौम का नाम अच्छा होता, बोले अच्छी बात है, तो अब्दुल गफूर साहब जाके बोले, तो ये हमारा काम यही है। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि ये लोगों के बातों में मत आइए, एमआईएम पार्टी के जो करनूल में 7 कैंडिडेट है, जुमला कितने वार्ड आए आप, 30 पे 3 है, हाँ 30 पे 3 वार्ड में हम खाली 7 लड़े तो इनके पेट में दर्द हो रहा, 30 पे 3 है, 33 वार्ड है, एमएलए के 33 मालूम है, 52 है मालूम, अब वो उसमें से खाली 7 लड़े तो इनको सांस चढ़ रही, अभी आकार करते हैं कि क्या बोलते हैं कि क्या करते हैं, अरे क्या करते, इलेक्शन लड़ने आ रहे, तुम भी वोट मांग रहे, मैं भी वोट मांग रहा हूं, तुम तुम्हारी पार्टी के नाम पे मांग रहे, मैं अपनी पार्टी के नाम पे मांग रहा, मैं इनसे जा कह रहा हूं मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम बोल सकते, तुम भाई है बोल के नहीं बोल सकते, करनूल का जहां जहां एक एक घर आपका घर है, वो मेरा घर भी है, करनूल
अदौनी हो, नंदियाल हो, नंदीपुर हो, अनंतपुर हो, हिंदूपुर हो, जहां जहां हमारे कैंडिडेट लड़ रहे वो घर आपका भी है, मेरा भी है, मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। मेरा हक बनता आज से वोट का मुतालबा करना और मैं लड़के आपसे वोट लूंगा, क्योंकि आप मेरे को नहीं दिए तो क्या गैरों को देंगे? तो आपको MIM पार्टी को वोट देने का है। 10 तारीख को जहां पे पतंग का निशान दिखा, और 10 तारीख को पूरे आसमान पे खाली पतंग नजर आना, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जब अहमदाबाद में MIM पार्टी को 7 हमारे कैंडिडेट जीत गए, तुम कर्नूल में 6 नहीं जिता सकते? जब गोधरा में हमारे 7 कॉर्पोरेटर कामयाब हो गए तो क्या आप नंदियाल अदौनी में हमको नहीं जिता सकते इंशाल्लाह? तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि ये नंदीगुटपुर के हमारे वार्ड नंबर 7 से मौला अली, वार्ड नंबर 8 से एस फारूक, वार्ड नंबर 20 से हिदायत, वार्ड नंबर 24 से अब्दुल मन्नान साहब MIM पार्टी के कैंडिडेट हैं। तीसरी अहम बात मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि हमारे जुनेद साहब मजलिस के कायद हैं। यहां पर गोनीगंडला मंडल में एक 24 साल की हाजिरा बी का मर्डर हो गया, अगस्त 7 को उसका मर्डर हुआ। ये आज जो आके MIM पार्टी नहीं लड़ना बोल रहे, उन्होंने गए के हाजिरा बी के घर को, आप पूछो जाके गोनीगंडला मंडल में 24 साल की 20 पे 4 साल की बच्ची हाजिरा बी जिसका मर्डर हो गया अगस्त 7, 2020 को, ये कोई जाके नहीं मिले उससे? जुनेद गए जाके उनकी वालदा से मिले, अभी लाके मेरे को उनकी वालदा से मिला है, उनकी अम्मा से, बच्ची से। वो अम्मा रो रही थी कि मेरे बच्ची से इंसाफ करो, अभी तक किसको अरेस्ट नहीं करे। मैंने कहा कि अम्मा इंशाल्लाह सुबह में मैं SP और कलेक्टर साहब से बात करके हमारी बच्ची को जो लोग मर्डर किए उनसे डिमांड करूंगा, उनको अरेस्ट करना पुलिस, उनको जेल को भिजाना और कोर्ट के केस के जरिए उन तमाम को सख्त से सख्त सजा 302 में जो IPC मिलती है मिलना चाहिए। ये काम MIM पार्टी कर रही है। अब आप जो लोग हमको बोल रहे कि काम नहीं, ये आप इलेक्शन नहीं लड़ना, यहाँ कई को आए साहब आप, यहाँ अच्छा माहौल है, अरे अच्छा माहौल को अच्छा करने आए, खराब करने कौन आई थी? जब CAA का मीटिंग हुई CAA के खिलाफ, NPR NRC के खिलाफ, तो बड़े मैदान में हुई थी, हजारों की तादाद में आपने शिरकत की थी, हम आए थे। जब आके बाजू बैठना जरूरी था इनको, मेरे इनको बुलाए भी नहीं थे, नहीं नहीं मैं बाजू बैठता, मतलब बैठो, हम तो बोल रहे बाजू नोको बैठो, दिल में बैठ जाओ, आके जगह है हमारी। मुस्लिम पर सल्ला बोर्ड का जलसा हुआ 3 तलाक के खिलाफ, पूरे उलमाए कराम आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह कर्नूल के तमाम उलमाए कराम मशायकीन मदरसे के जिम्मेदारान की सरपरस्ती में वो जलसे आम हुआ, आप तमाम ने शिरकत की। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बता रहा हूं कि कर्नूल में हो या आंध्र प्रदेश में हो, आपको अपनी एक पॉलिटिकल वॉइस की जरूरत है, आपको अपनी पार्टी के नुमाइंदों को कामयाब करना जरूरी है ताकि कोई आपके लिए लड़े, ताकि हुकूमत के पास जाकर आपके मसाइल की तर्जुमानी कर सके। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं, अगर आप ये समझेंगे नहीं नहीं असद साहब अच्छी तकरीर करते, हम तकरीर जलसे में आएंगे, सीटी मारेंगे, ऊ हा करके चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 10 तारीख को आप सुबह सुबह अपने घर से निकलकर अपना एक एक वोट MIM पार्टी को देंगे, अपनी पार्टी को मजबूत करो। आप ये देख रहे पूरे मुल्क में कैसे हालात हो रहे हैं, जब से BJP की सरकार बनी है अक्सरियती तबके की जमहूरियत का उसका फरोग दिया जा रहा है। जो मुसलमान है, दलित है, आदिवासी है और जो गरीब बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, वो सब लोग फिक्रमंद हैं कि ये मेजोरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की वजह से हमारी आवाज को बंद कर दिया जा रहा है।
घुटन महसूस हो रही है। अगर कोई अपने आप का मुतालबा करता, अगर कोई बोलता है कि दिल्ली के फसादात में वो जो बच्चा फैजान, वो फैजान का वीडियो आपने देखा होगा कि चार लड़के जमीन पर पड़े हुए हैं और दिल्ली की पुलिस या कहां की पुलिस उन बच्चों को मार कर कह रही है कि जनगण मना पढ़ो, तो उसमें से एक बच्चा दर्द की हालत में, कर्ब की हालत में, तकलीफ में जनगण मन पढ़ता है, बाद में फैजान मर जाता है। अगर मैं फैजान के मारने वालों को गिरफ्तार